नमस्कार। कक्षा 10 एक्सरसाइज 3.3 आज हम इसका प्रश्न पहला करने जा रहे हैं। निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। बच्चों, इस चैप्टर में तीन विधियां हैं, उसमें से सबसे पहली विधि है प्रतिस्थापन विधि। आज हम इसको सीखने जा रहे हैं कि प्रतिस्थापन विधि होती क्या है। इसके लिए हम सबसे पहले हमारी जो दो समीकरणें दी हैं, हम इसको एक बार दोबारा अपने सॉल्यूशन में लिखते हैं। ये सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है, तो x प्लस वाई बराबर 14 और दूसरी है x माइनस वाई बराबर 4। हम इन्हें हल करेंगे। बच्चों, कैसे हल करेंगे? प्रतिस्थापन का मतलब होता है दोबारा स्थापना करना, एक जगह से दूसरी जगह स्थापना करना, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे। इसमें से आप कोई भी एक रकम ले लो और उसमें मान लीजिए, हम सबसे पहले तो इनको नाम दे देते हैं। ये है इक्वेशन नंबर 1 और ये है इक्वेशन नंबर 2। अब इसमें से मान लीजिए कि मैं इक्वेशन नंबर 2 में y को दूसरी तरफ ले जाता हूँ, तो ये रहा x, बराबर का निशान, ये है 4, y यहाँ माइनस हो रहा है, उधर जाके हो जाएगा प्लस, तो x बराबर आ गया 4 प्लस y, ठीक है बच्चों। ये y यहाँ माइनस हो रहा था ना x के साथ, जब ये बराबर से उधर गया तो इसका साइन चेंज हो गया, ये बन गया प्लस। ये जो x बराबर 4 प्लस y आया, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन, दो इक्वेशन को हल किया था तो 1 में डालेंगे, 1 इक्वेशन को हल करते तो वो वैल्यू 2 में डालते, ठीक है बच्चों। याद रखना, हमने x माइनस वाई बराबर 4 यानी इक्वेशन 2 को हल करके ये निकाला था x की वैल्यू, इसको 1 में डालेंगे, यदि हम 1 को हल करते तो इसको 2 में डालते, ठीक है। तो इन इक्वेशन 1, अब इक्वेशन 1 में हमें क्या करना है, ये है इक्वेशन 1, x प्लस वाई बराबर 14, यहां पर x की जगह हमें ये वैल्यू लिखनी है, ठीक है बच्चों। x की जो वैल्यू है ये लिखनी है इसकी जगह, तो हमारे पास इक्वेशन 1 बन जाएगी x, x की जगह लिखो 4 प्लस वाई, 4 प्लस वाई, ये x की जगह मैंने लिख दिया 4 प्लस वाई, बाकी सारी इक्वेशन ऐसे उतारो, प्लस वाई बराबर 14। इसे अब हम हल करेंगे। देखिए, 4 जो है ये इधर y के साथ प्लस हो रहा है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, y प्लस वाई हो जाएगा 2y, ठीक है बच्चों। y प्लस वाई कितना हो गया 2y, ये थोड़ा सा दूर लिखना, पास लिखना आपने। अगले स्टेप में देखो, y बराबर 14 में से 4 निकाला 10, 2 इधर y के साथ गुना हो रहा है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, भाग। ये सब आपने पहले सीखा हुआ है, सिर्फ एक, इसी को हम कहते हैं प्रतिस्थापन। कि एक इक्वेशन को हल करके, हल क्या, सिर्फ y को उधर ले गए तो x का जो मान आया उसे दूसरी में स्थापित कर देना, दूसरी समीकरण में स्थापित कर देना, इसी को प्रतिस्थापन कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे y हमारे पास आ गया, y बराबर 10 बटा 2, इसको हल काट दो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, यानी ये आ गया y बराबर 5, कितना आ गया, y बराबर 5 आ गया। अब हम क्या करेंगे, y बराबर 5 को या तो इक्वेशन 1 में डाल दो या इक्वेशन 2 में डाल दो। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, मैं 1 में डाल रहा हूं, आप 2 में भी डाल सकते हैं, 1 में भी डाल सकते हैं, किसी में भी डाल दो। या हम ऐसा कर सकते हैं कि या 1 या 2 में डालने के बजाय ये जो हमारे पास आया था x बराबर 4 प्लस वाई, इसमें डाल सकते हो, इसको इक्वेशन 3 मान लो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सीधे ही लिखता हूँ इन इक्वेशन 3, ठीक है। इसका फायदा क्या होगा, देखो मैं आपको बताता हूँ। 3 इक्वेशन क्या है, x, ये देखो ये ना इक्वेशन 3, x बराबर 4 प्लस वाई, तो x बराबर 4 प्लस वाई, ये वाई है, वाई अभी हमने कितना निकाला, 5, वाई अभी हमने कितना निकाला, 5, तो x कितना आ गया, 4 प्लस 5 कितना होता है 9, 4 प्लस 5 कितना होता है 9। तो ऐसा करने से ही हमारे पास, यदि हम
इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो हमारे पास x बराबर आया है 9 के और y बराबर आया है 5 के, ठीक है। तो हमने क्या निकालना था, समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। और हमने सीखा हुआ है किसी भी समीकरण के हल का मतलब होता है यदि वह x और y में है तो x और y का मान ज्ञात कर दो। तो अभी हमने x बराबर 9 निकाला और y बराबर 5 निकाला है, यही इस समीकरण का हल है, यही इस समीकरण का हल है। एक बार दोबारा से रिवाइज करा देता हूं मैं आपको। हमारे पास दो समीकरणें हमें दी हुई थी, x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4। एक समीकरण को मैंने लेफ्ट साइड पे लिख लिया, एक समीकरण को राइट साइड पे लिख लिया। इनमें से किसी को भी आप पहले हल कर सकते हो, जरूरी नहीं कि इसी को हल करना था, इसको भी कर सकते थे, ठीक है। हल क्या किया हमने, हमने सिर्फ y को दूसरी तरफ ले गए, ये था x माइनस वाई बराबर 4, x बराबर y इधर माइनस हो रहा था तो उधर जाके प्लस हो गया, तो x की वैल्यू आ गई 4 प्लस y, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 3। अब ये जो x की वैल्यू है, अगर हमने इक्वेशन 2 को हल करके निकाली तो 1 में डालेंगे, यदि इक्वेशन 1 को हल करके निकालते तो 2 में डालते, ठीक है बच्चों। अभी हमने इक्वेशन 2 को हल किया था, देखो x माइनस वाई बराबर 4 में से निकला था ना, x बराबर 4 प्लस वाई, तो इसको अब उधर डालना है, ठीक है। तो उधर मतलब x की जगह ये 4 प्लस वाई लिख दो। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, यदि आप ऐसे करते तो इक्वेशन 2 लिखते यहां पे। तो अब x की जगह लिखा 4 प्लस वाई प्लस, ये है y बराबर 14 बराबर 14, y प्लस वाई हो गया 2y, 4 उधर जाके माइनस हो गया, y बराबर 14 में से 4 निकाले 10, 2 इधर गुना हो रहा था y के साथ तो उधर जाके हो गया भाग, ये कट के y आ गया 5। ये हमारी पहली वैल्यू आ गई। उसके बाद हमने ये जो y बराबर 5 है इसको इक्वेशन 3 में डाल दिया, तो x बराबर 4 प्लस y की जगह लिखा 5, तो 4 प्लस 5 होता है 9, ये x की वैल्यू आ गई। तो हमने समीकरण का हल निकालना था, समीकरण है x और y में, तो x और y का हमने मान निकाल दिया, यही समीकरण का हल है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आया होगा अच्छे से। यदि समझ आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करना। धन्यवाद।